शिवाय। एक सियार ने बताया, चाहे कितने ही सगे हो, इन तीन लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों, किसी जंगल में एक सियार और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते थे। सियार की पत्नी अक्सर बिना बताए बाहर चली जाती थी। सियार को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वह हमेशा सोचता था कि यह जंगल कितना खतरनाक है, चारों तरफ हिंसक जानवर भरे पड़े हैं, कहीं कोई घटना घटित हो सकती है। एक दिन सियार अपनी पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि अकेले बाहर मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। यदि कहीं कोई घटना घट गई तो सिर्फ पछताना ही रह जाएगा। सियार अपनी पत्नी से कहता है कि कोई चाहे कितना ही सगा हो, लेकिन इन तीन लोगों के साथ कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सियार की पत्नी कहती है कि कौन से वह तीन लोग हैं जिनके साथ अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सियार कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक सेठ और बंजारे की खूबसूरत पत्नी की है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है, और इसी कहानी में तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि कौन से वह तीन लोग हैं जिनके साथ कभी भी अपनी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, और उन डाकुओं ने उस बंजारे को और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब कुछ उनका लूट लिया, उनको बिल्कुल कंगाल कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या आगे का जीवन कैसे कटेगा और आगे क्या किया जाए। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर के अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो कैसे करूं। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। बंजारे ने जब उस साधु की कुटिया को देखा तो उसके मन में कुछ प्रसन्नता उठी। वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर के उस साधु महाराज की कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उन्हें वहां पर एक साधु मिला जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। साधु को देख करके वह बंजारा सोचने लगा कि क्यों ना साधु को मैं अपनी सारी समस्या बता दूं, जो कुछ भी मेरे साथ घटना घटी है, हो सकता है शायद मेरी समस्या का यह साधु महात्मा कोई समाधान कर दे। इसी तरह से सोच करके वह बंजारा साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बड़े ही विनम्र स्वर में महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, आज मैं जब वहां से अपने घर से आ रहा था तो रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन्होंने मेरा सारा धन लूट लिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। यदि आप किसी तरह से मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रख करके मुझे कुछ पैसे दिलवा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस व्यापारी पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उसी के पास उस बंजारे को भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर के उसी सेठ के पास जाकर के पहुंच गया और सेठ से हाथ जोड़ करके कहने लगा बड़े ही विनम्र स्वर में कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो और कुछ है नहीं, बस मेरी पत्नी ही है। आप मेरी पत्नी को अपने पास गिरवी रख लीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके बहुत जल्दी ही आपकी रकम और ब्याज सब कुछ वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। शेख ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बंजारे की जो पत्नी थी वह बड़ी ही खूबसूरत थी और पैसों के बदले में व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रख करके और सेठ से कर्ज लेकर के व्यापार करने के लिए वहां से चला गया। बंजारे ने उन रुपयों से प्याज का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह सस्ते दाम में किसानों के पास जाता और उनसे प्याज खरीदता और दूसरे जो जरूरतमंद लोग थे उनको महंगे दामों में उसी प्याज को वह बेच देता था। इस तरह से उस बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया।
अब वह बंजारा सेठ के पास वापस पहुंचा और कहने लगा कि सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे जो भी आपका रुपया बना हुआ है, मैं सूद और ब्याज और जो भी आपने मुझे जमा दी थी सब कुछ ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह बात सुनकर के सेठ ने कहा कि भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात है, तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे अच्छे वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। बंजारे ने जब उस सेठ से मुंह से इस तरह की बातों को सुना तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज रख करके कहने लगा, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है, शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा था, जितने दिन का मेरी पत्नी का और मेरा साथ था वह समय बीत चुका है, अब आगे जैसा भगवान की इच्छा वैसा ही होगा। वह मेरे साथ रहती है तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता, होने को कौन टाल सकता है, फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर के वह सेठ कहने लगा कि नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझको कोई हक नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से आग्रह किया कर्ज वापस लेने का, परंतु किसी भी तरह से वह सेठ नहीं माना। फिर उदास भाव से बंजारा वह जो था वहां से निकला, रास्ते में फिर उसी स्थान पर जाकर के पहुंच गया जहां पर उसे साधु महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह वह बंजारा साधु महात्मा के चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को वह महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर के साधु महात्मा के पास बैठ गया और महात्मा का प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हाल चाल पूछने लगे। बंजारे ने जो भी उसके साथ घटना घटी थी वह सब कुछ महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात को सुनकर के महात्मा ने कहा कि भाई, उस शेठ ने तेरे साथ बड़ा धोखा किया है, तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है, वह अभी मरी नहीं है, तेरी पत्नी को उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी और सेठ वह बड़ा ही दुष्ट हो गया है, अब ऐसा करके यहाँ के राजा के पास तुम चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर के राजा से प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बड़ा ही बुद्धिमान है और बड़ा ही न्यायप्रिय है, वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ से जोर डाल करके दिलवा देगा, दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। साधु महात्मा की बात सुन करके वह बंजारा राजा के दरबार में जाकर के पहुंच गया और राजा से सारी बात कही। राजा के दरबार में पहुंच करके राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलाया और पूछा, क्या बात सच है कि यह जो बंजारा है यह कुछ रुपयों के बदले मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख करके गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, बंजारे की बात बिल्कुल सही है, या कुछ पैसों के बदले अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख करके गया था। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों वापस नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर के सेठ कहने लगा, कैसे लौटाता महाराज, मैंने इस बंजारे को तो बता दिया है कि आज से 2 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, महाराज अब मैं धर्मराज के पास जाकर के तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता, इतनी शक्ति मुझ में कहां है? राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? राजा की बात को सुनकर के वह जो शेठ था वह कहने लगा कि महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था, वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जला करके आए थे। उस शेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि राजा को भी उस पर पूरा भरोसा हो चुका था कि यह सेठ पूरी तरह से निर्दोष है और वास्तव में इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तब राजा ने बंजारे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है क्योंकि तुम्हारी पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझा करके वापस भेज दी। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, जो भी कुछ घटना घटी थी उस राज दरबार में सारी घटना कह दी उस महात्मा से। राज दरबार में राजा और सेठ ने कहा कि वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर के वह जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था, मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया
और तुम्हें समझा करके मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से उस राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से वैसे ही कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो सुनकर के राजा ने कहा कि मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। मैं अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे क्या 3 दिन के लिए राजगद्दी छोड़ सकता हूँ। तुम उन महात्मा जी को दरबार में लेकर के आओ, मैं भी देखता हूँ कि महात्मा जी कैसे न्याय करते हैं। राजा के इस तरह की बात को सुनकर के वह जो बंजारा था वह साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राजदरबार में लेकर के चला आया। जब साधु महात्मा राजदरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और महात्मा को राजगद्दी पर विराजमान होते ही महात्मा के सामने सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने जैसे ही राजगद्दी ग्रहण किया और राजा का जो भार था वह महात्मा पर जब आया, राजा बनते ही महात्मा ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले जब बंजारे की पत्नी मर गई इसका कोई सबूत है क्या? सेठ ने कहा, हाँ मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलवाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। उस वैद्य के आने पर साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई आपने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य कहने लगा, जी मैंने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर के साधु कहने लगा, अच्छा वैद्य जी मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर के वैद्य राजा से बोला, महाराज सेठ जी मेरे पास स्वयं आकर के दवा ले जाते थे। साधु कहने लगा, यानी तुम विश्वास के साथ या नहीं कह सकते हो कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए लेकर के जाता था? साधु की बात सुनकर के वह वैद्य कहने लगा, यह बात मैं यकीन के साथ कह नहीं सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर के वह साधु कहने लगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो और यह मामला तो बहुत गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की यह बातें सुनकर के वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा, सारे शरीर से उसके पसीना बहने लगा और वह भरे स्वर में कहने लगा, नहीं हुजूर ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा और इस तरह से मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी यदि मैं ऐसा कर्म करूंगा। वैद्य की बात सुनकर के वह जो साधु थे महात्मा जी कहने लगे, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे, मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके एक गधे पर बिठा करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, विचार कर लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे। इतनी बात महाराज की सुनते ही वह वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जाकर के गिर गया और कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया है। इस सेठ ने मुझे लालच दिया था, इसने कहा था कि मैं 2000 रुपये तुमको दूंगा और तुम जब गवाही देने जाना तो झूठी गवाही दे देना, आवश्यकता पड़े तो ऐसा कह करके उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है महाराज कि मैंने लालच में आकर के इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, कुछ भी हो आपने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्ला पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाज निकलने लगी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देख करके सेठ के गवाह के तौर पर जो बुलाए गए थे उन चारों व्यक्तियों के कलेजे कांप गए। वे सोच रहे थे कि यदि किसी तरह का कोई प्रश्न
इस साधु ने मुझसे पूछा और मैं नहीं दे पाया तो मेरे साथ भी यही होगा, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर के जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर के शमशान में उसे जला करके आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेट करके धरती पर रखा जाता है, तो स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? इतना सुनकर के उस सेठ के जो चारों गवाह थे कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ ने अर्थी तैयार कर ली थी और सारी व्यवस्था कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए थे और उसे जला करके आए थे। उन चारों गवाहों की बात को सुनकर के वह साधु महात्मा कहने लगे, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति को उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान में ले जा करके जला करके आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देख करके पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव फूलने लगे, उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा बाहर से काला पड़ने लगा। साधु ने सेठ से कहा कि सेठ जी, तुम्हारे जो गवाह थे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है, अब तुम सच सच बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की इस तरह की बात को सुनकर के सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। वह सोचने लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ ली गई, अब किसी तरह से मेरी चोरी का जो भेद है वह छिप नहीं सकता। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में तुरंत हाजिर करो और इसकी पत्नी को इसे वापस कर दो। राजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर से भेज करके बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100-100 कोड़े मारने की सजा दे दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। दोस्तों, इस तरह का न्याय देख करके वह राजा चकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महात्मा जी, आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर के साधु महात्मा कहने लगे कि राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने कहा कि महाराज, वे कौन से 3 स्थान हैं जहां पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? साधु महाराज कहने लगे कि पहला स्थान, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा, इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, इसी तरह से पति का भी कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी की सेवा जरूर करे जब आवश्यकता पड़े। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का यह मंत्र भी है। और दूसरा स्थान, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा लालचन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी उम्मीद से छोड़ करके आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं की कदर करेगा और मेरी हर भावना को समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए, ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा स्थान, कभी भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, वह चाहे आपके मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों न हो, लेकिन इन 3 लोगों के पास भूल करके भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।